सीतापुर में सहारा इंडिया निवेशकों के पक्ष में किसान मोर्चा का धरना स्थल पर जोरदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में धरना स्थल पर आज 9वें दिन संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में सहारा इंडिया निवेशकों के पक्ष में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए संयोजक पिंदल सिंह सिद्धू ने कहा कि आप सभी के लिए संगठन द्वारा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, बस आप सभी एकजुट होकर संघर्ष का साथ दें। शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि अभी दसियों हजार निवेशक साथी धरना स्थल पर पहुंचकर संगठन के साथ जुड़ चुके हैं। चाहते हैं बहुत से चैनल वाले कल विजुअल ले गए, फोटो ले गए, वीडियो बना ले गए, हजारों की संख्या का मसाल जुलूस, पर बड़े बड़े अखबार वालों ने एक छोटी छोटी कटिंग में वह खबर दिखाई। अगर हम सब की खबर ही नहीं दिखाई जाएगी तो हम सब किस पे विश्वास करें? अगर सोशल मीडिया ना हो, यूट्यूबर चैनल ना हो, तो किस पे विश्वास करें? कुछ एक अखबार वालों ने छापा है, बाकी जो बड़े बड़े जिनके नाम है, हम नाम नहीं लेना चाहते, उनको खुद समझ आ जाएगा, लेकिन छोटी छोटी इतनी छोटी खबर कि आदमी पहचान भी ना पाए। लेकिन ठीक है, हम लोग प्रशासन का जगाने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया गया, खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया और सुब्रतराय सहारा को उल्टा टांग दिया गया। इनसे पैसा रहे हैं मांग, दिया है उल्टा इनको टांग, और जब तक करिए ना भरपाई हुई है रोज इनकी कुटाई, और जूता लेके किसान अब आई और करवाई है पूरी इनसे भराई। हम लोग मजबूर है, आंदोलन करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। हम लोगों ने लिखित में दिया है जिलाधिकारी महोदय सीतापुर को कि 10 दिन के अंदर वो मुख्यमंत्री जी से मिलने का टाइम मोर्चे के अगवाकार लोगों को लेके दे, हम लोग वहाँ अपनी बात रखेंगे। सीतापुर और लखीमपुर जिले दोनों जोन का जो पैसा है उसकी भुगतान की हम बात करेंगे। इसी मुद्दों के साथ लेकर हम लोग आज 8वें दिन आंदोलन पर चल रहे हैं, और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सहारा पीड़ितों के निवेशकों का भुगतान नहीं होने लगेगा।